क्वेंसिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ठीक है अब -Gilbert sequencing में जैसा मैंने बताया था कि आपको पास जो है, वो क्या चाहिए? That is, template. उस template को आप denature करोगे, देखो, जो डीएनएसन हो रहा था चार अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर आप यहाँ तैयार करोगे चार अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर्स में हर एक में डीएनए पहले क्या होगा डिनेचर होगा अब डीएनएरेशन जरूरी है तभी जाके बेसिस या मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ पे जो डायरेक्टली सिक्वेंसिंग जो होता है वो फाइव टू थ्री होता है ज्यादा कुछ टिपिकल न्यूली सिंथेसाइजिंग पीस की जरूरत नहीं होती डीएनए को आपको पहले ही यहाँ पे रेडियो लेबल कर देना है अब हर एक पर्टिकुलरली डीएनए की अपनी लेबलिंग कर लो और उसमें जो है बेसिक तौर पे आप जो है 32 टू फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर लेते हैं ताकि विजुलाइजेशन में आसानी हो जब मैं एक्सरे फिल्म पे विजुलाइज करूँ तो बैंड विजुलाइज हो सके तो आपने अपने हर एक डीएनए को बैंड को

वो पिरीमिडीन के ऊपर काम करते हैं और पिरीमिडीन में दो आ जाएंगे साइटोसिन और थाइमिन दोनों पे और पिरीमिडीन की हाइड्रोलिसिस करता है कौन आपका दैट इज हाइड्रोजीन तो हाइड्रोजिन पिरीमिडीन के हाइड्रोलिस करेगा और हाइड्रोलिस करने की वजह से यहाँ पे जो है पिरीमिडीन हैज हो जाएगा तो एक जो मॉडिफाइड साइट आपको मिलेगा साइटोसिन और थाइमिन दोनों मिलेगा किसमें इन द केस ऑफ हाइड्रोजीन ठीक है और अगर मैं हाइड्रोजीन के साथ थोड़ा सा सॉल्ट यूज कर दू तो जब से मैंने सॉल्ट यूज किया सोडियम क्लोराइड यूज किया तो सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होगा सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजीन का जो फंक्शन होता है ना वो सिर्फ साइटोसिन यहाँ पे <coughs> क्या, क्या? हाइड्रोजीन सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन के लिए काम करेगा के लिए काम नहीं करेगा तो जब सॉल्ट होगा तो सिर्फ साइटोसिन पे जो है होगा। तो ये चार रिएक्शन जो हो रहे थे पहले पे फॉर्मिक एसिड एडिनिन गुआनिन दोनों पे उसके बाद डीएमएस जो है वो आप गुआनिन पे

डीएनए एनायन है और एनायन जो है वो एनोड की तरफ ही मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसे रिपेल करेगा जहाँ वो जो है वो पॉजिटिव साइड यानी एनोड की तरफ मूव करे कहानी वही है कि छोटा डीएनए साइज जो है वो फास्टर मूव करेगा और बड़ा डीएनए साइज जो है वो स्लोअर मूव करेगा तो द स्मॉलर डीएनए जो है वो धीरे 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 मूव कर स्लो तो स्लोवी स्मॉलर फास्टर होगा और लार्जर जो है, है स्लोवी मूव करेगा तो इससे बैंड का सेपरेशन हो जाएगा समय दिया बैंड का सेपरेशन हो जाएगा विजुलाइज करना ही है आपने क्योंकि अपने टेम्पलेट को पहले ही लेबल कर रखा है तो आप अपने जेल को जो है चेंबर में रखिए एक्सरे फिल्म के साथ उसे ओवरनाइट एक्सपोज करके छोड़ दीजिए ताकि जो बैंड है वो एक्सरे फिल्म पे ट्रांसफर हो जाए फिर आप उसे खोलिए एक्सरे फिल्म को हटाइए और एक्सरे फिल्म को जो है फिर ऑटो रेडियोग्राम पे लेके जाइए और जैसे लेके जाएंगे यहाँ पे जो है बैंड विजुलाइज हो जाएंगे पावर सप्लाई ऑन होगा बैंड विजुलाइज हो जाएगा अब जब बैंड विजुलाइज होगा तो यहाँ पे जो है आपको बैंड को रीड करना रहेगा और बैंड को रीड करेंगे तो जिस तरीके से रीड करते हुए आपके पास जो मॉडिफाइड बेसिस होंगे वो आपके यहाँ पे कोई न्यूली सिंथेसाइजिंग तो था नहीं क्योंकि डायरेक्टली आपने टेम्पलेट को क्लिक किया था तो आपको डायरेक्ट टेम्पलेट स्टैंड ही मिलेगा इसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आपके पास एक टेम्पलेट स्टैंड नजर आएगा और वो आपके पास आ गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री करके दूसरा स्टैंड आप निकाल सकते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से मैक्सिम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग आपको देखने को मिलता है क्लियर है चीज